छत्तीसगढ़ में रायपुर में इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनाव है। अब जब चुनाव है तो नेताओं के भाषणों से मैदान भरे हुए हैं और उनके हेलीकॉप्टरों से आसमान भरे हुए हैं। तो हमने सोचा कि नेताओं से अलग हम बात करते हैं उन लोगों से जो लोकतंत्र के इस हवन कुंड में पहली बार आहुति डालने जा रहे हैं। मेरा मतलब है फर्स्ट टाइम वोटर्स, और उन फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी हमारे देश की वो आधी आबादी जो शायद ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे समाज को, यानी फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स। तो मी द चेंज, द क्विंट और फेसबुक का ये इनिशिएटिव इलेक्शंस के दौरान फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स से बात करेगा, जानेगा उनके मुद्दे, उनकी राय और उनकी उम्मीदें। तो यहाँ हम शुरू करते हैं रायपुर में। ये यहाँ पर रायपुर की लड़कियाँ हैं जिनमें से ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और ये क्या दोस्ती है जी, क्या करते हैं आप? जी मेरा नाम इशिता शिर्के है और मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर के आपके क्या सोचना है आपका? हमें स्टडीज में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बता दी जाती है कि आपको कम में रखा जाएगा, बट जब हम हमारी जॉब की बात आती है तब जॉब में जब बात आती है तब हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं। प्रेफरेंस तो नहीं मिलती आपको? नहीं मिलता है। अच्छा। लड़कियों को ज़्यादा, और छत्तीसगढ़ में ये है कि छत्तीसगढ़ को अब 18 साल हो चुके हैं, तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ को एक महिला सीएम कब मिलेगी? ये आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ में है और नेचुरल रिसोर्सेज की खान है ये स्टेट, और लेकिन डेवलपमेंट के लिए पिछले 18 साल से तरस ही रहा है। और लोगों से बात करते हैं। जी आप क्या करते हैं? मैं पत्रकारिता की स्टूडेंट हूँ। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक कविता के अनुसार कहना चाहूँगी कि सोच समझ कर देंगे वोट, नहीं चलेगा दारू नोट, अब ऐसा सोच बढ़ाएंगे देश का विकास कराएंगे। जैसे कि हम कई लोग होते हैं जो लालच में वोट देते हैं कि जो मतलब नेता वगैरह होते हैं जो उनको लालच देते हैं तो वो वोट देते हैं, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग अपने हिसाब से वोट देंगे, जो सही होगा उसी को वोट देंगे। छात्रों के वोट के हिसाब से देखा जाए तो फिर मैं छात्रों के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी हम लोग के पढ़ाई के लेवल पर अगर बोला जाए तो हम लोग 12वीं तक तो पढ़ाई कर लेते हैं समान वेतन पे, लेकिन आने वाले साल में जो वेतन होती है, हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो फिर फीस की बात कर रहे हैं, फीस बात होती है। तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई मैथ्स लेता है, बायो लेता है, कॉमर्स लेता है, आर्ट्स लेता है, तो सबकी फीस अलग अलग क्यों होती है? हम लोग बायो लेकर पढ़ते हैं लेकिन फीस के कारण हम लोग बायो लेकर पढ़ते हैं, अगर हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ की फीस हो जाती है 25,000 रुपये, वही अगर हम आर्ट्स में आते हैं तो वहाँ की हो जाती 5,000। तो हम कहीं ना कहीं हम पैसे के मामले में हम अपनी पढ़ाई को बदल लेते हैं, जिस कारण से हम लोग बेरोजगारी में आ जाते हैं, और यही बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है आने वाली सरकार जो है हम लोग बदल दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अक्सर देखते होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुफ्त शिक्षा, इस तरह के नारे नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अखबारों में छपते हैं, लेकिन ये एक रियल प्रॉब्लम है जो हमें बताई कि जब फीस ज़्यादा होने की वजह से लड़कियों को पढ़ाई बदलनी पड़ती है, अपनी प्रेफरेंस बदलनी पड़ती है, और जो आगे फिर उनके लिए नुकसानदायक होता है। लड़कियों के लिए अभी भी इंसानों की सोच छोटी ही है, वो बदलना चाहिए। लड़कियों के लिए बोले जाते शाम हो गए हैं तो घर से ना निकलो, ये कपड़ा ना पहनो, वो कपड़ा ना पहनो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, ये सब रोक टोक नहीं होना चाहिए। लड़कियों को जैसे पढ़ाई में बराबरी दिए जा रहे हैं वैसे ही हर चीज़ में होना चाहिए हम लोगों को। मेरे भाई का एडमिशन कराने गई थी मैं कॉलेज पे, उसका 55% आया है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से सिर्फ वो जनरल में आता है, इस वजह से उसे रोक दिया गया था। अच्छा, तो ये हाँ आप कुछ कह रही थी? सर ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही थी। सर इस बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी। हम लोग के लिए जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर ये होता है कि हमको रोजगार का पंजीयन कराना पड़ता है, तो जाति का ये बनाना पड़ता है, तो निवासी तो आए, अगर हम लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर तब तक हम लोग जॉब तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। एक तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग को 50 साल का रिकॉर्ड दिया जाता है, 50 साल का रिकॉर्ड बनाते बनाते तक तो सामने वाला जॉब जो है हमारे यहाँ से छूट चुका होता है। अच्छा एक बात बताइए कि रमन सिंह सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसकी काफ़ी प्रचार हुआ कि लड़कियों को उन्होंने इंटीरियर इलाकों में गांव देहात में साइकिलें दी, और कहा ये माना गया कि ये लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल हुआ है। फायदा ही नहीं हुआ है तो हम लोग कहाँ से बता पाएंगे कि हम लोगों को क्या मिला है? सरकार बोलते हैं पर ये सब करना भी तो जरूरी है। अच्छा ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि सरकार साइकिल दिला रहे हैं, वो कुल क्या बोलते हैं मजदूर कार्ड बनाएंगे, उसके लिए हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, ये देंगे वो देंगे। मैं चाहती हूँ ये सब दिलाने के बजाय बेरोजगार को रोजगार दिलाओ, ये सब हम अपने पैसे से कर लेंगे। बोलते हैं कि हम लोगों ने क्या बोलते हैं क्रांति योजना निकाले, कौन सी
मोबाइल क्रांति योजना, ये योजना निकालने से अच्छा रोजगार की कोई क्रांति निकाल दे। हम लोग तो बोलते हैं उससे महंगे महंगे मोबाइल खरीद के हम लोग चलाएंगे। आप छोटे से छोटे इलाके से बड़े अपने कॉलोनीज में देख लीजिए, वहाँ पे वाइन शॉप, हम वहाँ पे लेटर तो सबमिट करते हैं थाने में, पर वो लेटर कहाँ तक पहुँचता और कहाँ तक नहीं। जो जो वाइन की समस्या, उसके चलते हमें लड़कियों को सबसे ज़्यादा 8 बजे घर के अंदर जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पूरी तरह शराबबंदी कर देंगे, आपको लगता है कि फ़ायदा होगा चुनाव में उनको? सर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमसे यही उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ इस बार कोई भी जीते, लेकिन छात्र संघ चुनाव कॉलेज में होना जरूरी है। अरे छात्र संघ होना। तो आपने देखा कि किस तरह ये रायपुर की लड़कियां जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही हैं, ये कितनी जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर और अपनी उम्मीदों को लेकर। हमें समझ में नहीं आता है कि नेता आखिर क्यों ये सोचते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करके अपने वोटरों को लुभा लेंगे या उन्हें उनके वोट को हासिल कर लेंगे। तो मी द चेंज में द क्विंट और फेसबुक इसी बात की पड़ताल करेगा कि अलग अलग इलाकों में देश के लड़कियां क्या सोचती हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या सोचती हैं, और समाज में वो खुद एक बदलाव किस तरह से ला सकती हैं।